शायद आप सीनियर सिटीजन के विषय में अपनी भावना प्रकट कर रहे हैं, हमारे बुजुर्गों के संबंध में आप कुछ कहना चाहते हैं, मैं जरूर इसको विस्तार से आपको बताता हूं। देखिए, आर्थिक हो या सामाजिक, वरिष्ठ नागरिक आत्मनिर्भर रहे इसको सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार काम किया है। हमारी विभिन्न योजनाओं के मूल में यही है कि वरिष्ठ नागरिकों का जीवन सरल एवं सुगम हो। पिछले वर्ष सरकार ने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत 60 साल से ऊपर के नागरिक को 10 साल तक 8% ब्याज सुनिश्चित रिटर्न मिलता है। यदि रेट 8% से कम आती है तो सरकार खुद इसकी भरपाई करती है। इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिक 15 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकों की सभी जरूरतों को प्राथमिकता देते हुए सरकार उनके जीवन से जुड़े अनेक पहलुओं पर विशेष ध्यान दे रही है। हम सब जानते हैं कि उम्र बीतने के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें, बीमारी बहुत स्वाभाविक है। शरीर अपना धर्म बजाता है, दवाइयां और इलाज का खर्चा बढ़ जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए जन औषधि योजना शुरू की गई ताकि दवाइयां सस्ते दामों पर उपलब्ध हो। इसी तरह से स्टेंट की कीमतें जो हृदय के लिए जरूरी होती है, या घुटने का ऑपरेशन के खर्चा हो, इन सब को कम कर दिया, 20% 30% पे ला दिया। ये सब हमारे सीनियर सिटीजन को बहुत बड़ी मदद कर रहा है। पहले वरिष्ठ नागरिकों को अपने जीवित होने का खुद जाकर प्रमाण देना पड़ता था, लेकिन अब इसे भी सरल बनाते हुए लाइफ सर्टिफिकेट की व्यवस्था शुरू की गई है। इसके अलावा सरकार सीनियर सिटीजन्स को टैक्स इंसेंटिव भी प्रदान कर रही है। उनके लिए आय पर टैक्स में छूट की मूल सीमा को बढ़ाकर हमने 3 लाख रुपया कर दिया। इसके साथ साथ इंटरेस्ट पर भी डिडक्शन की सीमा जो पहले 10,000 थी उसे बढ़ाकर के 50,000 कर दिया है। यानी अब जमा रकम से मिले 50,000 रुपये तक के ब्याज को कोई टैक्स नहीं लगता है। मान लीजिए, और ये आप लोगों को बताइए कि एक सीनियर सिटीजन, एक वरिष्ठ नागरिक जिनकी सालाना आय 5 लाख रुपया है, 2013-14 में उस नागरिक को लगभग 13-13.5 हजार रुपया टैक्स देना पड़ता था, जबकि आज 2018-19 में 13-13.5 हजार से घटकर के ये टैक्स सिर्फ 2,600 हो गया है। अब ये बात हमें जाकर के बतानी पड़ेगी, यानी टैक्स में लगभग 80% की कमी आई है। देखिए कितना बड़ा परिवर्तन आया है, न सिर्फ आर्थिक मोर्चे पर बल्कि वरिष्ठ नागरिकों और उनके कल्याण से जुड़े अन्य पहलुओं पर भी सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से काम किया है। हमारा पूरा प्रयास है कि देश के वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न सुविधाएं सरल और सहज रूप में उपलब्ध हो, उनके पास उपलब्ध हो, ताकि उन्हें ज्यादा भागदौड़ न करनी पड़े, वे स्वस्थ रहे, ऊर्जावान रहे और स्वाभिमान के साथ अपना जीवन जी सके। हमने यह सुनिश्चित करने की दिशा में काम किया है।